सीधे रुख करते हैं रायपुर का, तो रायपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी रविंद्र, आज सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी रविंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी रविंद्र, आज सीएम का भेंट मुलाकात दौरा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? सिमरन, मैं अगर बताना चाहूंगा तो जिस प्रकार भेंट मुलाकात का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, तो आज राजधानी रायपुर से जो सीएम भूपेश बघेल जी निकलेंगे बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में, आज उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। सिलसिलेवार आपको बताना चाहूंगा कि सीएम का भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम होने वाला है वो कैसे और कितने बजे से रहने वाला है। उपरांत में 12 तारीख को आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम बेलतरा के विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जी बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, बहुत सारी घोषणाओं योजनाओं का घोषणा करेंगे और वहां से जनसंवाद करेंगे। 11 बजे सीएम भूपेश बघेल हेलीपैड से निकलकर सीधा अकलतरी के ग्राम अकलतरी के लिए रवाना होंगे। 11:35 में अकलतरी विद्यालय में महापूजन पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो उसका दीपक का अवलोकन करेंगे। 12:30 को ग्राम लक राम पहुंचेंगे, वहां पर वो मंदिर दर्शन करेंगे। 1:10 में भूपेश बघेल हाई स्कूल पहुंचकर और वहां पर आम जनता से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3:30 विभिन्न समाज के मंडलों से मुलाकात करेंगे, फिर शाम को 5:20 में रायपुर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया कि भेंट मुलाकात का जैसे वो जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है, कैसा उनका रिस्पांस मिल रहा है, तो सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि जहां पर भाजपा के विधायक है मैं उन विधानसभा में भी जा रहा हूँ, तो भी वहां से जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे योजना हो चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा खुद वहां पहल की गई थी या सरकार द्वारा पहल की गई थी, उस योजना का लाभ वहां की आम जनता विधानसभा के ग्रामीण विधानसभा में रहने वाले लोग भरपूर रूप से उठा रहे हैं और जबरदस्त उत्साह है। इस प्रकार का बयान सीएम भूपेश बघेल का बेमेतरा विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हो रहा है उसमें देखा गया। रविंद्र, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसको लेकर राजनीति में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, तो राजनीति हलचल को लेकर क्या अपडेट्स हैं? राजनीतिक हलचल की लेकिन अगर अपडेट करें तो पिछले कल हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी शैलजा का रायपुर पे दौरा था और लगातार बैठकों का दौरा था। कल उन्होंने महापौर सब जितने भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के महापौर है उनसे उन्होंने बातचीत की, उनसे चर्चा की कि उनके कामों के निगम को लेकर कामों, क्योंकि अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव कहने में विधानसभा चुनाव रहता है लेकिन उन हर गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है जो आम जनता को प्रतिदिन मुहैया कराती है। आम जनता लगातार नगर निगम या कलेक्टर कार्यालय और निगम के ही कार्यों में व्यस्त रहती, तो जहां तक महापौर नाम महापौर जितने भी छत्तीसगढ़ के महापौर है उनकी बैठक ली, उनकी समीक्षा की गई, तो ज्यादातर महापौरों ने यह कहा कि उनके कार्य में वहां के स्थानीय नेता टांग लगाते हैं और उनके काम को करने नहीं देते, जिसके कारण उनकी थोड़ी छवि खराब हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पार्टी की गतिविधियों को लेकर हो चाहे ऊपर के नेता के दबाव को लेकर हो, तो बहुत सारे नेता ने महापौर प्रभारी शैलजा से शिकायत की है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस में जो तीखे वार चल रहे हैं खासकर विधानसभा चुनाव, क्योंकि ज्यादा दिन अब बचा नहीं है विधानसभा चुनाव और सामने विधानसभा चुनाव अगर सामने आता है तो ऐसे में वाद विवाद की प्रतियोगिता लगातार बढ़ती रहती है। कल सीएम भूपेश बघेल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा कि शराब घोटाले चावल घोटाले जितने भी हो रहे हैं उसमें ईडी की कार्रवाई जा रही है, लेकिन ये भाजपा का षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं अब नाम सामने उनका भी आ रहा है या उनका नाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आरोप बीजेपी और कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया। लेकिन जब इस बयान का पलटवार किया गया, इस बयान को लेकर अन्य चर्चाएं की गई, तो अरुण साव ने साफ तौर पर कहा कि ईडी की कार्रवाई बीजेपी की कार्रवाई नहीं है, ईडी एक संवैधानिक संगठन है, ईडी एक संस्था है जिसको लेके वो अपने कार्यों को अनुरूप कार्य करती है, वो किसी प्रकार के जातिगत या मतभेद रूप से कार्य नहीं करती जो बीजेपी उससे करवाती है। इस प्रकार का आरोप लगाना वो खंडन, साफ तौर पर उन्होंने खंडन कर दिया कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है और ईडी ने जो कार्रवाई की थी और जो सबूत न्यायालय में पेश किए हैं अभी तक किसी भी व्यक्तियों की जमानत नहीं हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि ईडी ने जो सबूत वहां न्यायालय में पेश किए हैं वो पक्के सबूत हैं। इस प्रकार का बयान अरुण साव का रहा। जब उनसे कर्नाटक चुनाव में पूछा गया सीएम भूपेश बघेल जी से, तो सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश से चुनाव शुरू करके कन्याकुमारी तक गई है लेकिन वहां पर वो समुद्र में डूब जाएगी। इस पर अरुण साव का बड़ा बयान आया है, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार बना रही है, वहां पर डबल इंजन की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है
और कांग्रेस को बहुत सारे आरोप लगाए, चाहे चावल घोटाले को लेके हो, चाहे गोठान को लेके हो, चाहे पंचायत में, चाहे वो गौमूत्र को लेके हो, बहुत सारे जितने भी योजना थे उनपे सब पे प्रतिरोध किया है, सब पे प्रतिकाष्ठ किया है। लेकिन जो पराकाष्ठा से ऊपर अगर हम बात करते हैं, इन बयानों को तर्ज में ये निकलता है कि वाद विवाद का दौर लंबा चलेगा और आने वाले समय में बहुत सारे और भी जो चीजें हैं और भी अन्य खबरें हैं वो सामने प्रकाशित होंगी। लेकिन इन बयानों से एक साफ जाहिर हो सकता है कि इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव जबरदस्त और कांटे की टक्कर का रहने वाला है। जी रविंद्र, हाल ही में देखा गया था कि रायपुर से कई बार कई ट्रेनें रद्द हो गई थी, तो रेलवे मेगा ब्लॉक खत्म हो चुका है, तो इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? मेगा ब्लॉक जो 7 दिन का चाह 4 तारीख से 10 तारीख तक का, मई तक का, लेकिन जिसमें जो सबसे ज्यादा समस्या आई वो आम जनता और आम यात्रियों को आई जो ट्रेनों में सफर करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, जो ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी होकर लंबी दूरी तक तय करती थी, आज वो उनपुरा में 7 दिनों में उनपुरा स्टेशन में थी, जहां पर व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। अगर हम देखते जाए तो 12,000 की जनसंख्या, 37 ट्रेनें प्रतिदिन आना प्रतिदिन जाना, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा स्वाभाविक बनता है। जब हमने वहां पर जांच की, वहां पर जाकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली, तो वहां पता चला कि वहां पर धूप काफी तेज थी और धूप से बचने की जो व्यवस्था होनी चाहिए एक बड़े स्तर पर वो आ नहीं थी। पानी की समस्या वहां पर काफी थी, लेकिन अब बहरहाल मेगा ब्लॉक खत्म हो चुका है, सभी ट्रेनें वापस पटरी में आ गई है। एक समय के दौरान लोकल ट्रेनें में कुछ समय और कुछ देरियां आ रही है, बाकी जो एक्सप्रेस की जो बड़ी ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसमें यात्री काफी खुश है। वहां के अधिकारियों ने बताया कि जो मेगा ब्लॉक था उसको बुधवार को शाम को हटा दिया गया था, इससे काफी राहत मिली और जो मेगा ब्लॉक को लेकर बहुत परेशानी चल रही थी अब वो दोबारा भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। 7 नंबर की लाइन को मुख्य धारा से जोड़ा गया है, इसके कारण सभी ट्रेनें संचालित होकर नियम पूर्वक चल रही है। जी रविंद्र, कोरोना को लेकर क्या अपडेट्स हैं? आए दिन कोरोना के मामले घटते बढ़ते रहते हैं, लोगों की मौत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, तो कोरोना को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स है कोरोना को लेकर? कोविड का जो कहर और जो प्रचंड जो रूप से बढ़ा हुआ था अब वो छत्तीसगढ़ में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। केवल 59 मामले सामने आए, जहां प्रतिदिन हम 100 से 150 मामले देखते थे पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने जो पहले जो अलर्ट जारी किया था कि मास्क, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, अब वो नियम का पालन उतना नहीं किया जाता, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव दर आ रही है 2% की, 59 नए मामले आ रहे हैं, बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मामला है, लेकिन इसके लिए गंभीर विषय होना चाहिए। लेकिन जो राहत की सांस ये है कि जो बड़े मामले थे अब वो नहीं आ रहे हैं, केवल 59 ही मरीज आए। अगर हम रायपुर की बात करते हो, रायपुर में केवल दुर्ग में केवल 10 मामले आए हैं, राजनांदगांव में 1 मामला आया है, बलौदाबाजार में 6, बेमेतरा में 2, रायपुर में 10, धमतरी में 3, महासमुंद में 4, बिलासपुर में 1, रायगढ़ में 3, कोरबा में, तो इस प्रकार के केवल 1/2 के आंकड़े आ रहे हैं, ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं आ रहे। तो एक राहत का विषय है कि आने वाले समय में कोरोना पूरे जिले से या छत्तीसगढ़ प्रदेश से खत्म हो जाएगा और स्वास्थ्य विभाग भी इसके लगातार तैयारी करे। तो बड़ी खबर यह है कि राहत के साथ भी स्वास्थ्य विभाग ने एक कोरोना के केस अभी प्रतिदिन कम आ रहे हैं। तो रविंद्र, जैसा कि आपने बताया कि एहतियात लोग कम बरत रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि कोरोना को लेकर एहतियात कम बरते जा रहे हैं, तो क्या ये खतरनाक साबित नहीं हो सकता है? क्योंकि कोरोना के मामले अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, तो लोगों को एहतियात तो बरतनी चाहिए। एहतियात बरतने की बात करें तो एक रायपुर बड़ा बड़ा शहर है, जहां पर लोग अक्सर भीड़ भाड़ में एरिया में जाते हैं, चाहे गोल बाजार हो, चाहे जयस्तंभ चौक हो, चाहे कहीं भी हो। रायपुर राजधानी की बात करता हूँ, अन्य जिलों की स्थिति अभी उतनी सामान्य है जितनी पहले नहीं थी, लेकिन अभी जो कोविड के जो आंकड़े कम आ रहे हैं इससे लोगों का खौफ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2020 2021 2 साल का जो पीरियड था वो काफी बहुत ही भयानक था, क्योंकि जिसमें कोविड के जो केसेस आ रहे थे वो लगातार 2000 3000 और अधिकतम तो 5000 तक भी आए थे। लेकिन उस समय लोगों में जागरूकता थी कि नहीं, हाथ नहीं मिलाना है, लोगों के संपर्क में नहीं आना है, तो एक जागरूकता थी। लेकिन जब केस धीरे धीरे कम होने लगे तो लॉकडाउन की जो स्थिति थी उसको कम कर दी, कुछ जगह रियायत बरती गई, कुछ चीजों को ढील किया गया, जो पाबंदियां थी उसको हटाई गई। उसी प्रकार आज की भी स्थिति है, अगर आप 59 अगर 59 केस देखते हैं तो ये कोई केवल एक आंकड़ा है जो 59 केस को नजर आता है, लेकिन अगर वो 59 केस में अगर किसी अन्य व्यक्तियों के संक्रमण में आता है या एक व्यक्ति किसी दूसरे के संपर्क में आता है तो फिर वो कोविड बढ़ता है। लेकिन इसके लिए अगर लापरवाही बरती अगर बरती जाएगी या फिर लापरवाही नहीं बरती जाएगी तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार, मैं स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार नहीं बोल सकते, आम जन जन नागरिकों को इस समझ में होता है कि कोविड के बचाव के लिए वो क्या कर सकते हैं। अभी भी कुछ नियम है जिसे पालन करना बेहद जरूरी है, मास्क अपने चेहरे पे जरूर नाक पे जरूर लगे, दूरी से दूरी बनाकर रखे और बिल्कुल सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, क्योंकि जो 59 केस है सिर्फ बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार कोविड बढ़ता है
वो काफी खतरनाक रहते हैं और बहुत सारी मौतें होती है। लेकिन बहरहाल अभी राहत की सांस है कि केवल 59 मामले सामने आए। जी रविंद्र, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स हैं? गर्मी का पारा बढ़ रहा है, अचानक से बूंदाबांदी भी हो रही है, तो मौसम विभाग का इसको लेकर क्या अलर्ट है? मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मौसम की अभी करवट ली है, अगर हम देखते हैं सुबह से लेकर दोपहर 4 बजे तक काफी धूप रहती है। अगर हम पारा अन्य जिलों और रायपुर की बात करें तो लगभग 40 से 41 डिग्री रहता है। कल का पारा काफी बढ़ा हुआ था और कल काफी गर्मी थी। लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अब मौसम थोड़ा सा मिजाज लेने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीच में मोजा तूफान को लेकर अलर्ट जारी हुआ था जो पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान से आ रहे थे, लेकिन उसको बीच में 9 तारीख 9 मई को भी यह कहा गया कि वो दिशा के परिवीत जा रही है और वो उड़ीसा होते हुए बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब अपडेट ये आ रहा है कि मौसम विभाग ने कुछ कुछ जिलों को अलर्ट में किया गया है, जिसके कारण आने वाले समय में थोड़ी सी हल्की बारिश और हल्के बादल भी आ सकते हैं, क्योंकि जो गर्मी का तापमान प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आम जनजीवन जिस प्रकार गर्मी को लेकर व्याकुल है, तो ये एक अच्छी खबर है कि मौसम हल्का सा मिजाज बदलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 12 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, ताकि क्योंकि जो मौसम का मिजाज है वो थोड़ा सा बदलेगा और हल्का से आंधी या बिजली की संभावना रहेगी उन क्षेत्रों में जो अक्सर दूर इलाके क्षेत्र है, बस्तर, नारायणपुर, बस्तर में सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर, जो उत्तर बस्तर की जगह है वहां पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और लेकिन अगर रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ थोड़ी हल्की बादल छाए रहेंगे और थोड़ी बिजली आएगी, शाम को थोड़ा आंधी का माहौल रहेगा, लेकिन जो बारिश है उसके आसार कम है। तो इस प्रकार का पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश में मौसम का मिजाज रहेगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रविंद्र।